सो दोस्तों फाइनली जैसा कि आप सभी जानते हो कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर लॉन्च हो चुका है जो कि अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है एंड्रॉइड के लिए भी। और यहां पर इसी के साथ में बाकी सभी कंपनी ने अपने नए नए स्मार्टफोन के टीज भी करना स्टार्ट कर दिया है। और फाइनली यहां पर रियलमी का GT 5 प्रो स्मार्टफोन भी आने वाला है। स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक से लेकर स्पेसिफिकेशंस तक सब कुछ आ चुका है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो मन तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बने रहिए, वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे स्मार्टफोन के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में। तो स्मार्टफोन का जो पीछे की तरफ से डिजाइन है वो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा जहां पर आपको काफी तगड़ा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। एंड लिटरली गाइस इसके अंदर में आपको मिलेगा मेटल का फ्रेम जो वो देखने को मिलने वाला है। तो डिजाइन यहाँ पर आपको काफी तगड़ा बिल्ड के साथ में देखने को मिलने वाला है। पीछे की तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप जो कि पेरिस्कोप लेंस के साथ में आने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम कैमरा सेंसर की तरफ नजर डालें तो यहाँ पर जो आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा वो होने वाला है सोनी का IMX966 वाला सेंसर 50 मेगापिक्सल का जो कि OIS के साथ में आएगा। एंड लिटरली गाइज यहाँ पर आपको काफी तगड़ी क्वालिटी मिलने वाली है। कमाल की बात दोस्तों ये होगी कि यहाँ पर आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिलने वाला है। बाकी अदर सेंसर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 15 मेगापिक्सल का ओमनी विजन का यहाँ पर 3x टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर आपको एक अल्ट्रावाइड कैमरा देखने को मिलेगा, हालांकि वो कितने मेगापिक्सल का होगा उसके बारे में अभी तक कुछ भी जो वो जानकारी निकल करके नहीं आई है। और भी यहाँ पर आपको कैमरे देखने को मिलने वाले। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको वही पुराना वाला 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में दिया जाएगा। हालांकि आप सेंसर साइज पे मत जाइएगा लेकिन परफॉर्मेंस जो वो एक्चुअल में काफी तगड़ी रहने वाली है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले के अंदर में मिलने वाली है। डिस्प्ले का डिजाइन आप देख लीजिए, कुछ इस तरह का डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले वाइज भी स्मार्टफोन काफी तगड़ा रहेगा जो कि यहाँ पर आपको 1.5K एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला जो कि कर्व के साथ में आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ना तो डिस्प्ले क्वालिटी काफी तगड़ी रहने वाली है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इसके अंदर में आपको कोरोजन के ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा। LPTO 2.0 का सपोर्ट मिलेगा। HDR10+ का भी सर्टिफिकेशन मिलने वाला है। तो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज स्मार्टफोन काफी तगड़ा रहेगा। आप चाहे गेमिंग कीजिए, कंटेंट वॉचिंग कीजिए, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आने वाली है। 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा तो स्मूथनेस भी काफी अच्छी खासी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। वहीं पे बात करें स्मार्टफोन के अंदर की तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि कंपनी ने जैसे ही क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 लॉन्च हुआ स्मार्टफोन को टीज कर दिया था। तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 वाला प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है जो कि यहाँ पर आपको काफी फास्ट देखने को मिलेगा। एंड इसका एंटीट्यूड स्कोर अप्रोक्स 2 मिलियन के आसपास निकल कर आया है। तो परफॉर्मेंस में तो एकदम फाड़ के रख देगा। बैटरी कंजप्शन भी काफी कम रहने वाला है। कमाल की बात ये होगी कि इस स्मार्टफोन के अंदर में आपको LPDDR5X रैम देखने को मिलेगी। UFS की 4.0 स्टोरेज देखने को मिलने वाली है। तो स्मार्टफोन में ऐसे कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। बात करें बैटरी वगैरह की तो यहाँ पर आपको बैटरी भी काफी तगड़ी दी जाएगी। यहाँ पर आपको 5400mAh की बैटरी मिलने वाली है जहां पर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा जो कि 50W के वायरलेस चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करेगा और 100W के वायर चार्जर को स्मार्टफोन सपोर्ट करने वाला है। फिलहाल अगर हम बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग वगैरह की तो देखिए ये स्मार्टफोन पहले लॉन्च किया जाएगा चाइना मार्केट के, इसी महीने के एंड में लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है चाइना मार्केट के अंदर में स्मार्टफोन यही कोई 50 से 55 हज़ार रुपए प्राइस पॉइंट पर आने वाला है। तो आपकी क्या राय है कि स्मार्टफोन की प्राइसिंग को लेकर के कमेंट में जरूर बताइएगा। इंडिया लॉन्च डेट की बात करें तो बताया जाएगा कि स्मार्टफोन आपको दीपावली के बाद यानी कि नवंबर के एंड या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। हालांकि बहुत ही कम चांसेस है कि ये इंडिया में आएगा क्योंकि अभी तक देखा जाए ना तो रियलमी का GT 5 भी नहीं लॉन्च किया गया इंडिया के अंदर में। तो यहाँ पर अभी कन्फर्म नहीं कह सकता। फिलहाल देखना ये होगा कि स्मार्टफोन को चाइना मार्केट में किस प्राइस पर लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल इस स्मार्टफोन से रिलेटेड जैसे इंडिया लॉन्च को लेकर कोई भी डिटेल आएगी हमारे चैनल पर आपको वीडियो जो सबसे पहले मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने को मिलते हैं। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।